Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today, in this video, we are going to continue lesson number three, that is, nationalism in India. We will continue the third topic here the Salt March and the Civil Disobedience Movement. So, let's start. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि गांधी जी ने सोचा कि ऐसे भाषण देकर प्लेज लेकर समझाकर हमें पूर्ण स्वराज तो मिलने वाला है नहीं हमें कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे हमें कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे सो गांधी जी को सॉल्ट में नमक में एक पावरफुल सिंबल दिखाई दिया जो पूरे नेशन को एक साथ यूनाइट कर सके अब आगे के टॉपिक में हमने ये भी देखा कि पूर्ण स्वराज का सेलिब्रेशन एंड प्लेज सेरेमनी कुछ ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाया था एंड सॉल्ट एक ऐसी चीज है विच इज़ यूज्ड बाय एवरीबडी एंड जिसे हमें नेचर ने फ्री में दिया था थ्रू ओशंस बट ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट को मोनोपलाइज किया था यानी सॉल्ट का प्रोडक्शन सिर्फ वे लोग ही कर सकते थे अगर किसी और ने किया तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज इ अब हमारे पूर्व पीजेंट्स के पास खाने के लिए ही पैसे नहीं थे एंड अब नमक के भी पैसे देकर खरीदे ये तो बहुत ही अनजस्ट है गांधी so, जी ने सोचा कि सोल्ट को एक यूनिटी का सिंबल बना के इसके ऊपर सिविल मूवमेंट शुरू करते हैं सो जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स रखी इसमें से कुछ डिमांड्स जनरल इंटरेस्ट की थी एंड कुछ डिफरेंट क्लासेस के लोगों की कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी कुछ डिमांड थी पीजेंट्स पीजें कुछ अलग डिमांड एंड प्रॉब्लम्स थे अब गांधी जी ने सभी ग्रुप्स एंड क्लासेस के लोगों की प्रॉब्लम्स एंड डिमांड को उस लेटर में लिखा सो so देट हमारे सभी लोगों को लगे कि हमारे भी प्रॉब्लम्स एंड डिमांड इम्पोर्टेंट है एंड उन्हें भी सुना जा रहा है ऐसा करके गांधी जी चाहते थे कि हम सब एक हो जाए एंड हम सब एक यूनाइटेड कैंपेन शुरू करें। अब इस इलेवन डिमांड्स में गांधी जी ने एक स्पेशल डिमांड भी रखी थी एंड एक तरह से ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दिया था कि बाई इलेवेंथ मार्च सॉल टैक्स को एबोलिश कर दिया जाए अदरवाइज द कांग्रेस वुड लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी नॉट टू ओबे गवर्नमेंट लॉस अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लॉ क्या था सोल्ट प्रोड्यूस करेंगे सो so, गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम ये लॉ को नहीं मानेंगे अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब नेचुरली इतनी आसानी से तो वे लोग मानने वाले थे नहीं सो ऑन ट्वेल्थ मार्च गांधी जी स्टार्टेड इज फेमस सोल्ट मार्च विथ हिस्स सेवेंटी एट ट्रस्टेड फॉलोअर्स सो ही स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी एंड ये जर्नी उनकी 240 माइल्स की थी ही यूज टू कवर 10 माइल्स अ डे एंड ऐसा करके ही रीच डांडी आफ्टर 24 डेज दैट इज ऑन सिक्स ऑफ एप्रिल टेन माइल्स चलने के बाद वे जहाँ पे भी विश्राम करते थे वहां थाउजेंड ऑफ पीपल यूज एंड मीट हिम गांधी जी उन सब को समझाते थे कि वॉट ही मैंट बाय स्वराज एंड उनसे इस मूवमेंट में पीसफुली पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्वेस्ट करते थे सो फाइनली ऑन सिक्स अप्रैल ही रीच डांडी एंड वायोलेटेड द सॉल्ट लॉ

सो so, इस तरह से लोग अपना प्रोटेस्ट दिखाने लगे एंड दे सपोर्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह कोई कोई जगहों पर ही तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था ये तो कंट्री वाइड एक साथ प्रोटेस्ट चल रहा था सो नेचुरली ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो डरना ही था सो दे रेस्पोंडेड ब्रूटल रिप्रेशन पॉलिसी उन्होंने पीसफुल सत्याग्रहीस पर अटैक किया वुमेन एंड चिल्ड्रन वो बीटन एंड काफी सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया एंड बाद में उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस लीडर्स को ही एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि लोगों को उकसा तो ये लोग ही रहे थे इन्फ्लुएंस तो इनका ही लोगों पर पड़ रहा था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अब्दुल गफर खान जो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे उन्हें अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया इसकी वजह से पेशावर में एंग्री क्राउड ने रास्तों पर डेमोन्स्ट्रेशन करने शुरू कर दिए एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को अरेस्ट कर दिया एंड इसकी वजह से शोलापुर में प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया सो यहां पर भी द प्रोटेस्ट अ वायलेंट टर्न डेमोन्स्ट्रेटर्स ने पुलिस पोस्ट म्यूनिसपल बिल्डिंग्स लॉ कोर्ट्स रेलवे स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया ऐसी सब सिचुएशन देखकर महात्मा गांधी अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट ही डिसाइडेड टू विद्रॉ द मूवमेंट नो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी हो चुका था लॉर्ड इरविन ने प्रॉमिस किया था कि फर्स्ट राउंड टेबल राइट जी को लगा अगेंस्ट हिज एथिक्स सो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का सोच लिया इन द ईयर 1931 एंड ऑन 5th मार्च 1931 ही एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन सो जब गांधी जी अग्री हो गए टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया था उन सब को छोड़ देने का प्रॉमिस किया दे अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स नव ये बात हुई मार्च 1931 की एंड दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंडन फॉर द कॉन्फ्रेंस वहां नेगोशिएट किया गया बट बात कुछ बनी नहीं एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड ही पॉजिटिव कि ये कॉन्फ्रेंस की वजह से कुछ तो सॉल्यूशन निकल आएगा कुछ तो बेनिफिशियल प्रोग्रेस हमें दिखाई देगा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो ही वॉज वेरी डिस वापस इंडिया आकर देखा कि यहाँ तो मामला कुछ और ही है कोलोनियल गवर्नमेंट के प्रॉमिस करने के बावजूद गफर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वो इन जेल उन्होंने कांग्रेस को भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया था कि कांग्रेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एंड काफी सारे रूल्स लगा दिए गए थे जैसे कि किसी भी तरह की मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन या बॉयकॉट कंडक्ट नहीं किया जाएगा so he relaunched the civil disobedience movement but by 1934 civil disobedience movement ki pakad uska josh khatam hota gaya it lost its momentum so with this we have come to an end of this topic for more videos like share and subscribe my channel ignited minds